नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड का नैनीताल जिला, जिसे सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये पर्यटकों के लिए घूमने की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ की झील और सुंदर वादियों का हर कोई दीवाना है। नैनीताल में पहले ही कई प्राकृतिक झीलों के नाम शामिल थे और अब किलबेरी मार्ग पर पंगूट में करीब 150 मीटर लंबी नई झील तैयार हो चुकी है, जिसका नाम कृत्रिम झील है, जो नैनीताल से करीब 7 किलोमीटर दूर है। नैनीताल वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी TR बिजलाल ने बताया कि किलबेरी पंगूट क्षेत्र एक बर्ड रिजर्व क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटकों को दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देश की सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। बर्ड वॉचिंग के शौकीन इस झील में बोटिंग करते हुए पक्षियों की कई प्रजातियों को भी देख पाएंगे। बता दें कि पर्यटक महज 50 रुपए एंट्री फीस देकर यहाँ घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही वन विभाग के स्थानीय लोगों को झील किनारे स्टॉल लगाने की सुविधा दी जा रही है। इस नई झील से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और अब इस क्षेत्र को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो नैनीताल से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार।